की शिक्षा की दलाली को बंद करो और एक ऐसा कानून लाओ नकल माफिया के खिलाफ की, ताकि हमारे पहाड़ के युवाओं का भविष्य सुधर सके। ये युवाओं की भीड़ आक्रोश में है, जिसकी वजह लगातार हो रहे पेपर लीक हैं। पिछले कुछ वक्त में राज्य में भर्ती घोटालों और पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद से राज्य के युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। युवा लगातार प्रशासन से आस लगाए है कि किसी तरह उनकी आवाज सुनी जाए और भर्ती घोटालों के और पेपर लीक के खिलाफ CBI जांच की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ बॉबी पवार की अगुवाई में युवाओं ने देहरादून गांधी पार्क में धरना दिया। धरने के बाद पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज कर दी, जिसके बाद पूरे राज्य में भर्ती घोटालों के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं उत्तरकाशी में भी सैकड़ों युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं में आक्रोश था। युवाओं का कहना है कि जिस तरह उत्तराखंड पुलिस ने बर्बरता की वो गलत है। युवाओं को पीटने और घसीटने के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उत्तरकाशी में खूब नारेबाजी की गई। उत्तरकाशी के युवाओं ने, छात्र संघ ने एवं तमाम बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। जिस तरीके से देहरादून में छात्र तो संघर्ष करते हुए बड़े भाई बॉबी पवार जी एवं तमाम बेरोजगार के साथियों को इस तरीके से उत्तराखंड पुलिस द्वारा जबरन उठा कर ले जाया जा रहा है, क्या आखिर सरकार आखिर युवाओं के हकों को दबाना चाह रही है? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि शिक्षा की दलाली को बंद करो और एक ऐसा कानून लाओ नकल माफियों के खिलाफ ही, ताकि हमारे पहाड़ के युवाओं का भविष्य सुधर सके। और जल्द आगे यदि उत्तरगामी और सरकार उत्तराखंड सरकार हमारे मांगों को यकीन और धरातल पर नहीं उतारती है, तो पूरे प्रदेश में मैं छात्र महासंघ होने के नाते पूरे प्रदेश में ये चेताना चाहता हूँ कि एक बड़े स्तर पर संघर्ष और विरोध प्रदर्शन होगा। इन युवाओं का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। UK SSSC के बाद अब UKPSC में भी पेपर लीक के मामले सामने आने से युवाओं का सरकार से भरोसा डगमगा चुका है। युवाओं का कहना है कि गांधी पार्क में युवा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने देर रात उन पर बर्बरता की, जिसके लिए इस दिन को पुलिस के लिए काला अध्याय माना जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी में पटवारी लेखपाल परीक्षा लीक और उसके बाद AEJEE परीक्षा लीक हो गई। युवाओं ने आयोग पर कई आरोप भी लगाए। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन की ये आग तेजी से फैलती जा रही है। देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, विकासनगर के अलावा कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उत्तरकाशी से ओंकार भोगुना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।